नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। बहुत सारे प्रश्न थे काली हल्दी के संबंध में, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ भैया, थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, जो सत्य मैं जानता हूँ वो सत्य आज प्रकट करने का अवसर आ गया है। आप बार बार प्रश्न करते हैं, बार बार काली हल्दी के बारे में पूछते हैं, तो बताना मेरा कर्तव्य है जो मैं जानता हूँ, जो मैंने अपने गुरु से, अपने बुजुर्गों से समझा और सीखा है। ये है काली हल्दी, ये देख रहे हैं, सूखने के बाद ये इस तरह से काली हो जाती है। ये हमारे पूजा के स्थान पर रखी थी, इसकी दिव्यता देखिए, ये उग गई है, ये अंकुर है, ये अब ये अंकुर फूट गया है, रखे रखे फूट गया है, सूखी। जब ये इस तरह के शेप में रहती है, ये ऐसे रख दो उसको, इस तरह शिवलिंग शेप में होती है ये, और एक कपूरिका होती है जो नीले रंग की होती है, वो काली हल्दी नहीं है। ये ऐसी काली हो जाएगी, कत्थई सी काली हो जाएगी, बीच में से काटोगे आप तो वैसी सफ़ेद रहेगी, पीली सी रहेगी, परंतु ये काली अंदर से काली नहीं होती। हल्दी जैसा हम जानते हैं भगवान को, गणेश को अर्पित होती है, या हम कोई भी जड़ी बूटी उखाड़ने जाते हैं तो पीले चावल डालते हैं, निमंत्रण का प्रतीक है हल्दी, आमंत्रण का प्रतीक है हल्दी, एंटीबायोटिक भी है हल्दी, सबसे जरूरी तंत्र में ये हल्दी, जब भी हम किसी को आमंत्रित करते हैं, निमंत्रित करते हैं, तो हल्दी का प्रयोग करते हैं, गणेश जी की वंदना करते हैं कि हे गणेश सद्बुद्धि देना, हमसे कोई गलती ना हो जाए इसको लाने में, इस तरह से हम प्रार्थना करके उसको लाते हैं। ये काली हल्दी माँ की, काली माँ की पूजा में लगती है, और लक्ष्मी प्रिया है ये, लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसा कि आजकल बड़े बड़े यूट्यूबर्स डाल देते हैं कि उसमें कहीं ताला चाबी खुल जाएगा तो कुछ तार मुड़ जाएगा, तो सोडियम लगा दिया और कागज़ को ले गए और जलने लग गया। इस तरह से भ्रम फैलाते हैं, भ्रांति फैलाते हैं, इसमें कोई कागज़ नहीं जलता भैया, कोई संसार की ऐसी लकड़ी नहीं है, कोई संसार की ऐसी जड़ी नहीं है। मैं तो हर जंगल में घूमा हूँ, आदिवासियों के संपर्क में रहा हूँ, संसार की ऐसी कोई जड़ी नहीं है जो ताला चाबी खोल दे या कागज में आग लगा दे। तो इस बात को समझो मित्रों, अपने दिमाग से थोड़ा सा चलना पड़ेगा, आजकल बड़ा भ्रम पैदा हो गया है। परंतु ये लक्ष्मी की बड़ी अच्छी चीज़ है, काली जी के भैरव पुत्र हैं जो काली के आगे चलते हैं, और उसके आगे चलते हैं लंगूर वीर, मतलब महावीर। तो इसको रखने से शनि, राहु और केतु का समन हो जाता है, यही हमारी लक्ष्मी में बाधा होते हैं, यही हमारे दिमाग पे असर डालते हैं, ये तीनों मिलके अगर तीनों मिल जाए तो बंटाधार कर देते हैं, हमारी बुद्धि सही होती नहीं, नशा पत्ती में पूरा पैसा खर्च होता है, और जहाँ भी हम हाथ डालेंगे हमारी बुद्धि जब भ्रमित हो जाएगी तो फिर व्यापार चलता नहीं। तो ये काली हल्दी इन तीनों का समन कर देती है, तो अपने आप रास्ता खुल जाता है, जैसे नाली में पानी रोक दिया, मिट्टी पड़ गई, आप लक्ष्मी को पानी समझ लीजिए, मिट्टी पड़ गई, उस मिट्टी को नाली से निकाल दिया तो पानी आने लग गया। ऐसे ही आपके भाग्य में जितनी लक्ष्मी है, ये किसी कारणवश जो अवरुद्ध हो गई है, परेशानियाँ आ रही हैं, घर में नाना प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं, तो ये भैरव की उपासना में, काली की उपासना में, बजरंग की उपासना में काम आती है। इसको रख के भैरव मंत्र का जाप करने से हमको आशातीत लाभ मिलता है, या काली मंत्र करने से आशातीत लाभ मिलता है, या बजरंग मंत्र पढ़ने से आशातीत लाभ मिलता है। धीरे धीरे, हम ये नहीं कहते कि आप करोड़पति हो जाएंगे, परंतु जो बाधा उत्पन्न हो गई, एकदम से चलते चलते दुकान बंद हो गई, एकदम से व्यापार में गिरावट आ गई, एकदम से किसी ने जादू टोना कर दिया,
तो ये सबको समन कर देती है, हर जादू टोना का रास्ता साफ कर देती है। इसलिए इस ये काफ़ी दुर्लभ है। पहले तो अमरकंटक में बहुत थी गणेश मंदिर के पीछे, पर धीरे खोद खोद के लोगों ने सब सत्यानाश कर दिए। तब वहाँ बड़ी मुश्किल से अंदर खाई में उतरो तब एक आध कन कहीं मिल जाता है, या तो फिर हिमाचल प्रदेश में मिलती है, ढूंढना पड़ता है। इसके पत्ते के ऊपर गहरी लाइन नहीं होती, सिंगल लाइन होती है, और एक जो गहरे पत्ते छोटे पत्ते, इसके पत्ते भी बड़े बड़े होते हैं, जो छोटे पत्ते होते हैं और लाइन गहरी होती है वो कपूरिका है, वो काली हल्दी नहीं है। उसी को लोग काली हल्दी के नाम से बाज़ार में बेचते हैं, पर वो फिर लाभ होता नहीं। हल्दी का ये लाभ इसमें ज़रूर होता है, और इसको इसके रस से पारत का बंधन भी होता है, पारत का शोधन भी होता है, क्योंकि हल्दी से वैसे भी पारत का शोधन होता है, और जब ये हल्दी के साथ मिल जाए, मतलब इस सफ़ेद हल्दी या काली हल्दी के साथ अगर मिल जाए तो पारत का बंधन भी हो जाता है, और अगर शोधित हो तो, और शुद्ध हो तो, नहीं तो फिर नहीं होता। तो ये मित्रों ऐसी एक बात थी, आप बार बार पूछते हैं काली हल्दी मिलना दुर्लभ हो गई है। पहले बहुत थी अमरकंटक में गणेश मंदिर में, जहाँ मूर्ति अपने आप बढ़ रही है, पहले बहुत थी, मैंने देखी भी थी, परंतु जब मैं मंडला में था मैंने देखी थी, परंतु धीरे धीरे आदिवासियों ने इसको खोद के सब बेच दिए, अब बहुत रेयर कहीं कहीं मिलती है। तो ये काली हल्दी का विवरण था मित्रों, इसमें भ्रमित मत होइए, धोखे में मत पड़िए। आजकल यूट्यूब में भी देख रहे हैं आपकी एक दूसरे के नकल करते हैं, सच्ची बात बताते नहीं हैं। अभी एक किसी सज्जन ने कान में बिलवा का तेल लगा लो तो कान के जो छेद महिलाओं के बड़े हो जाते हैं ना लगाने पहनने से, वो लगा लो तो ठीक हो जाएगा, वो लगा लिया पूरे शरीर में फदक गया। तो किसी वैद्य से जानकारी लें, इसके बाद ही उपयोग करें। तंत्र में, साउथ इंडिया में तंत्र में इसका बहुत उपयोग है, माँ काली की पूजा बहुत करते हैं कलकत्ता में, साउथ इंडिया में, तो कलकत्ता तरफ, और लक्ष्मी के लिए और भूत प्रेत बाधा उतारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसको ताबीज में डाल के भी देते हैं, मैं जानता हूँ कई वहाँ के लोगों को। तो ये गुरु से प्राप्त हुई थी, रखी थी भगवान की जगह रखी थी, तो आज ये प्रकट हो गई, अपने आप अंकुर निकल आया। तो मैंने कहा आपको छोटा सा वीडियो डाल के बता दूँ। नमस्कार मित्रों, मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा मोबाइल नंबर है। तो जय महाकाल आयुर्वेद, सावन का महीना, भोलेनाथ की कृपा है, सब में भोलेनाथ का अंश है, शिव शक्ति सब में है, ये शक्ति है भगवान शिव की कृपा से उगती है। जय भोलेनाथ, जय यस। नमस्कार, ये वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, सबको बताएं, ताकि लोग भ्रमित ना हों और अपने पैसे न बर्बाद करें। नमस्कार मित्रों।